अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिनोपेटर्जा के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि ये जो एक्टिनोपेटर्जा है, ये रिसेंट डेटा में जो फिशेज प्रेजेंट है उसमें, इस क्लास में वो फिशेज प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी हम लोग से पढ़ी थी कि इसमें जो पेयर फिन्स होती हैं वो डर्मल के साथ स्पोर्ट के साथ अटैच होती हैं। बेसल पोर्शन ऑफ द पेयर फिन्स आर नॉन मस्कुलर। और इसमें होमोसीलर ट्रेल होती है, मैंने आपको बताया था होमोसीलर होती है सेम और हेट्रोसीलर होती है डिफरेंट। और दे हैव ब्लाइंड रिफ्रैक्टरी सैक्स, ठीक है। अब हम लोग इंफ्रा क्लास पढ़ेंगे इसकी, कौन सी, कॉन्ड्रियोस्टीन्स के बारे में। इट कंटेन्स मैनी स्पीशीज, दिस स्पीशीज लिव्ड इन ड्यूरिंग द प्रीसमैन ट्रैसिक एंड जुरासिक पीरियड बट ओनली 25 स्पीशीज रिमेन टूडे। मतलब इसकी जो सिर्फ 25 स्पीशीज हैं वो इस वक्त रिसेंट एरास में प्रेजेंट हैं। एंसेस्ट्रल कॉन्ड्रियोस्टीन्स हैव अ बोनी स्केलेटन बट लिविंग मेम्बर्स लाइक स्टर्जियंस एंड पैडल फिशेज। अब कौन से लिविंग मेम्बर्स हैं इसके, स्टर्जियंस एंड पैडल फिशेज। दे हैव कार्टिलेजिनस स्केलेटन, कॉन्ड्रियोस्टीन्स हैव अ टेल विद अ लार्ज अपर लोब। उसके बाद हम कहेंगे स्टर्जियंस के बारे में, स्टर्जियंस और पैडल फिश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टर्जियंस जो है इसकी 25 स्पीशीज थी, इसके अंदर जो मेन जो स्पीशीज रहती हैं प्रेजेंट एरा में स्टर्जियंस और पैडल फिश था, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। स्टर्जियंस लिव इन द सी, दे माइग्रेट इन द रिवर्स टू ब्रीड। मतलब ये माइग्रेट किस लिए करती है, तब जब इनको ब्रीड करनी होती है, जब इन्होंने अपने मेल्स वगैरह मेल के साथ ब्रीड करनी होती है, अपने ऑफ स्प्रिंग्स को मतलब जो उनसे अपने एग्स वगैरह होते हैं ले करने होते हैं। सम लिव स्टर्जियंस लिव इन द फ्रेश वाटर, ज़्यादातर कहते हैं सी में, लेकिन जो सम स्टर्जियंस हैं वो कहाँ पर रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। बट दे लिव दे मेंटेन द माइग्रेटरी हैबिट्स ऑफ देयर मेरीन रिलेटिव्स। दे आर लार्ज फिशेज, बोनी प्लेट्स कवर द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। अब इसमें बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि बोनी प्लेट्स जो है कवर करेंगे इंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। हैवी स्केल्स कवर द टेल, बोनी प्लेट्स कवर द इंटीरियर पोर्शन, ठीक है। और हैवी स्केल्स क्या कवर करी हैं, टेल को। दो डिफरेंट बातें हैं और दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। द स्टर्जियंस माउथ इज स्मॉल एंड जॉज आर वीक। स्टर्जियंस फीड ऑन इन मल्टीप्लेट, स्टर्जियंस आर इंपॉर्टेंट इन देयर कैवियर, देयरफॉर दे आर स्वेरली ओवर फिश्ड। पैडल फिशेज आर लार्ज फ्रेश वाटर कॉन्ट्रेस्टीज, दे हैव अ लार्ज पैडल लाइक रोस्ट्रम। रोस्ट्रम्स कंटेन मैनी सेंसरी ऑर्गन्स। जो पैडल फिशेज होती हैं उनके पास एक स्पेसिफिक जो उनकी उनकी स्पेशलिटी वो क्या है, रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है। रोस्ट्रम क्या है, कंटेन्स मैनी सेंसरी ऑर्गन, मतलब ये सेंस कर सकती है अपने जो उनसे प्रेडेटर्स वगैरह आ रहे हैं उनको, अपने फूड वगैरह को भी ये सेंस कर सकती हैं। दे सेंस डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, दे स्विम थ्रो द वाटर विद द लार्ज माउथ ओपन। द फिल्टर क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिशेज, आप भी अपने फूड के लिए क्या करती हैं, अपने माउथ को हमेशा ओपन रखती हैं ताकि जो क्रस्टेशियंस और स्मॉल फिशेज हैं उनके माउथ में वाटर के साथ फिल्टर होकर आए और वो उसको ईट कर सके, उनको खा लें। दे आर फाउंड मेनली इन द लेक्स एंड लार्ज रिवर्स ऑफ मिसिसिपी रिवर बेसिन, और दे आर आल्सो प्रेजेंट द वेस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना। अब जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, एक्टिनोपटेर्जिया है। द फ्लोरिश ऑफ द जुरासिक पीरियड, दिस इज सेक्ट मोस्ट कॉन्ट्रेस्टेंस टू वेरी प्रिमेटिव जेनरा अकर इन द टेम्परेट टू वार्म वाटर ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इसके आगे से जो सी सब क्लासेज हैं वो कहते हैं लेपिडोसिस्टस ग्रेप लाइक एमिया एंड जो एमिया जो है वो एक मॉडर्न फिशेज है, टिलोस्ट मॉडर्न बोनी फिशेज, ठीक है। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग, इट हैज़ थिक स्केल्स, जो ग्रेप लाइक है उसके क्या है, थिक स्केल्स। इट हैज़ लॉन्ग जॉज एंड यूज़ जॉज टू कैच द फिशेज। हम लोगों ने कैसे में पता, पैडल फिश में पता था वो अपना माउथ ओपन रखती हैं, उसमें जॉज का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसमें जो है लेपिडोसिटस में क्या करी है, वो अपने जॉज अपने जॉज से क्या किसको कैच करी है, फिशेज को। एमिया जो है टिलोस्ट जो मॉडर्न फिशेज हैं, मॉडर्न बोनी फिशेज, दे आर कॉमनली कॉल्ड डग फिशेज एंड बो फिशेज बोफिन। मोस्टली लिविंग फिश आर मेम्बर्स ऑफ दिस ग्रुप, दे आर कॉल्ड द टिलोस्ट और मॉडर्न बोनी फिशेज। दे हैव सिमेट्रिकल कैडवल फिन एंड स्विम ब्लैडर। द स्विम ब्लैडर हैज लॉस्ट इट्स कनेक्शन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक। द टिलोस्ट हैव डाइवर्ज्ड फ्रॉम एंशिएंट मेरीन एक्टिनोपटेर्जिया इन द लेट ट्रैसिक पीरियड्स। आफ्टर द रिमार्केबल एवोल्यूशन डिवर्सिफिकेशन दे टेक प्लेस इन दैम, टिलोस्ट हैव अडेप्टेड टू नियरली एवरी अवेलेबल एक्वाटिक हैबिटेट। द नंबर ऑफ टिलोस्ट फिशेज 20,000। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल कैडवल फिन, स्विम ब्लैडर। और जो स्विम ब्लैडर है उसने अपना कनेक्शन किस लॉस्ट कर लिया, डिजेस्टिव ट्रैक से। दूसरी सी करेक्टर लॉस्ट हैव डाइवर्ज फ्रॉम इनिशिएट मेरीन एक्टिनोपटेर्जिया इन द लेट ट्रैसिक पीरियड्स। आफ्टर दैट रिमार्केबल एवोल्यूशन डाइवर्सिफिकेशन टेक प्लेस इन दैम, टिलोस्ट हैव अडॉप्टेड टू अर्ली एवरी हैबिटेट
एक्वाटिक हैबिटेट. द नंबर ऑफ टी रोज फिशेज आर 20,000. अब हम लोग इसके एवोल्यूशनरी प्राइस एंड एक्सपीरियम डिस्कस करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़.